से आ रहे हैं? लास्ट 20 इयर्स दैट्स गुड शी इज लविंग चिकन मसाला एंड रुमाली ओनली ओके ओके थैंक यू यूट्यूब पे कितना रोस्ट कर रहा है अरे भाई साहब अभी तो कमी एक मिनट में भरेगा जा रहे भाई जा रहे भाई क्या है पर नॉनवेज फूड और अवधि फूड है जिसे बोलते हैं और देखो भाई गंज में मुझे कौन मिला मेरा दोस्त वैभव मिल गया भाई साहब बड़े दिनों बाद वैभव से मुलाकात हुई है तो वैभव कहाँ ले चल रहे हो ये बताओ कहाँ ले चल रहे हो यहाँ आप जाना चाहें कहाँ ले चल रहे हो वही तो पूछ रहे हो तो भाई साहब अब हम लोग चल रहे हैं दस्तरखान जी यहाँ दस्तरखान चलते हैं और वैभव भाई हमें खिलाने वाले बिरयानी रोल और काफ़ी और चीज़ें उमदा चीज़ें हैं तो वो चीज़ें ट्राई कराते हैं बाकी आप इंजॉय करो इस ट्रैफिक को भरपूर ट्रैफिक रहता है यहाँ मतलब अपने में टच करते रहते गाड़ी देख रहे हो अगल बगल से टच करते निकल जाते नज़र हटी सावधानी दुर्घटना घटी वाली चीज़ खुद को बचना सही बात टू बियर हेलमेट और हेलमेट नहीं पहनोगे तो हो जाएगा चलान देख रहे हो भाई साहब ये है गंज का नज़ारा और गंज कुछ इस टाइप से है दिल्ली यहाँ की मुझे काफ़ी अच्छी बात ये लगती है जो ब्लैक एंड वाइट का जो सीन है यहाँ पे अपने यहाँ भी ब्लैक एंड वाइट सीन हो रखा है बट कहाँ है ये आप लोग कमेंट करके बताना मैं नहीं बताऊँगा और फाइनली हम लोग आ गए हैं दस्तरखान जी हाँ हाउस ऑफ मुगलाई क्यूज़ीन तो भाई साहब हम लोग आ गए हैं दस्तरखान जो कि लखनऊ का फेमस मुगलाई खानों में से एक चीज़ है तो इसको कैसे मिस आउट कर सकते हैं तो बाकी अब यहाँ पे आए हैं तो कुछ चीज़ें ट्राई करते हैं और आपको सारी चीज़ें बताते हैं मज़ेदार जो सीन होने वाला है क्योंकि प्योर नॉनवेज फूड और अवधि फूड है जिसे बोलते हैं वो ट्राई करते हैं और आपको रिव्यू शेयर करते हैं थैंक यू और ये यहाँ का डाइनिंग है जो कि लाइव डाइनिंग है आप यहाँ पे अपना फूड को इंजॉय करते हो साथ में आपको उस साइड भी आप वहाँ पर बैठ सकते हो सिटिंग काफ़ी अच्छी है तो सिटिंग आगे आ जाओ और भाई साहब हम लोग आ चुके दस्तरखान के अंदर किचन में तो देखो पराठों की बौछार यहाँ पे बनने वाली है साथ में यहाँ पे हो रहे हैं प्रिपेयर रोस्टेड हो गए और साथ में मतलब काफ़ी बेहतरीन चीज़ें लग रही है तो देख रहे मतलब इतने डेग डेग भर के चीज़ें बनती रहती प्रिपेयर होती रहती है बाकी अब अपने लिए भी चीज़ें दिखाते हैं कुछ आउटलुक आपको दिखाते हैं तो यहाँ पे कुछ रेगुलर कस्टमर्स मिले उनसे जानते क्या फीडबैक है खाने का सो हेलो अंकल हाय हाय और क्या फीडबैक है खाने का एक्सेलेंट एक्सेलेंट व्हाट बेस्ट चिकन मसाला एंड चिकन बिरयानी वेल अच्छा अच्छा तो चिकन मसाला तो मैंने भी ऑर्डर और क्या रिकमेंड करें यहाँ पे आप अगर करना हो तो एनीथिंग माय फेवरेट चिकन मसाला एंड चिकन बिरयानी आप कितने टाइम से आ रहे हैं लास्ट 20 इयर्स दैट्स गुड शी इज लविंग चिकन मसाला एंड रुमाली ओनली ओके ओके थैंक यू और ये बिरयानी का लुक एंड फील कुछ इस टाइप से है बाकी यहाँ का सीन होता है वो काफ़ी मज़ेदार होता है तो देख रहे हो भाई साहब और यहाँ पे जो चीज़ें चल रही होती है ये पूरा रोस्टेड का सेक्शन होता है क्योंकि अभी शाम के करीब 4:30-5 बज रहा है बट डिमांड देखो जैसे जैसे रात ढलती जाएगी वैसे वैसे ये रैक खाली होते पूरे चले जाते और साथ में इस साइड पर हो रहे पराठे के सेगमेंट तैयार तो काफ़ी लाजवाब चीज़ें होती हैं यहाँ पे और ये हो रहा था भाई दस्तरखान का फेमस चिकन मसाला आप लोग बहुत लोग समझ रहे हो तवा चिकन बट तवा चिकन से काफ़ी डिफरेंट होता है तो भाई जब देखो कितना बड़ा पैन है और जो चीज़ें निकलती है वो काफ़ी बड़ी चीज़ होती है और एक चीज़ और इसमें बताऊँगा कि इनका जो चीज़ें होती है वो बोनलेस पीसेस की होती है ना कल बोन के साथ होता है सॉरी तो टेस्ट काफ़ी अच्छा इस साइड हो रहे होते प्रिपेयर इनके गुलट्टी कबाब मुगलई कबाब और मतलब चिट्टे कबाब होते हैं वो सारा सीन होता है तो काफ़ी उम्दे चीज़ें हैं और प्योर मुगलई फूड है भाई साहब तो बात ही अलग है आप देख रहे हो मतलब फैमिली से लेके हर कोई इंजॉय कर रहा है फूड और वैभव बुला रहा है कि वैभव कह रहा है अभी और कुछ खाते हैं तो बाकी मज़ा आने वाला है बाकी आप लाइक करना कॉमेंट करना बताना बाकी करके और भाई साहब खाना आ चुका था हम लोग से कंट्रोल नहीं किया गया ये है चिकन मसाला और साथ में हम लोग ने चूज़ किया था पराठा तो बाकी अब वैभव कुछ टेस्ट करके बताएगा कुछ चीज़ें मैं टेस्ट किया चिकन मसाला साथ में लच्छा पराठा मुगलाई पराठा है और साथ में यहाँ पे मिलते हैं कॉन्टिमेंट्स में
सलाद है, बाकी आप चीज़ें ट्राई करके बताते हैं। तो हैव अ बाइट एंड बेहतर चिकन खा रहे हो तो हाथ से खाओ वो ज़्यादा बेस्ट लगता है। तो चिकन की जो पीस है उसको थोड़ा सा निकाला और साथ में लिया ये प्याज। 3, 2, 1 हैव अ सब्सक्राइब। जो फ्लेवर है चिकन के काफ़ी अच्छे हैं और साथ में मतलब पीसेस भी फ्रेश है साथ में, और जो मसाले हैं जो आफ्टर बाइट लग रहे हैं वो काफ़ी उम्दा टेस्ट के साथ में, और पराठे साथ में चार चंद ऐसे ही लग जाता है। बाकी अगला कुछ चीज़ें जो आती है उसको दिखाते हैं। चिकन बिरयानी भाई, जब बिरयानी अब लखनऊ में और अब बिरयानी में खाओ तो ये हो नहीं सकता साथ में, बट मैं हाथ से खाने वाला हूँ क्योंकि जो बिरयानी खाने का तरीका है वो बेसिकली हाथ से ही है। और लुक एंड फील कुछ इस टाइप से सिंपल शुगर है, तो खा के दिखाते हैं और खा के बताते हैं क्या टेस्ट है। तो भाई जब पहले तो मतलब पहली पीस आ जाती है लेग पीस, तो लेग पीस से स्टार्ट करते हैं। एक जो पीस है वो काफ़ी फ्रेश है, जो जूसी नहीं है पीस की वो काफ़ी अच्छी है। ये लीजिए पराठा। जो बिरयानी के फ्लेवर आ रहे हैं वो काफ़ी मज़ेदार चीज़ें हैं, और साथ में जो हल्के मसाले आ रहे हैं वो होती है एक्चुअल बिरयानी। ये है प्याज, हम लोग अपने इलाहाबाद में जो खाए हैं वो तो बिरयानी है, बट जो चीज़ है जो असली जन्नत है वो ये है, ऐसा ये बिरयानी।